नो, मुझे चारू और इसकी लव स्टोरी नहीं सुननी। दोनों के बीच क्या है क्या नहीं, नहीं समझना। कुंजन प्लीज मयंक, मुझे कुछ नहीं सुनना है। कुंजन लेकिन बात तो ये सब कुछ करते वक्त तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया या क्या सोचा? जो मन में है कह के मुझे मना लोगे? लेकिन मैंने किया क्या है? What are you talking about? मेरी अक्कल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने इज्जत से इंसान से प्यार किया। जो लड़का मेरे लिए चारू को डिच कर सकता है वो मुझे भी तो डिच कर सकता है। और देखिए उसने वही किया। जस्ट शट अप गुंजन, अभी और कुछ बोला ना तो मैं नहीं तो क्या क्या करोगे तुम? मैं बोलो, तुम हद से बढ़ रही हो। ओके चुप रहो तुम दोनों, क्या बोले जा रहे हो? क्या हुआ, डर लग रहा है तुम्हें कि तुम्हारी पोल सबके सामने खुल जाएगी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बस करो। इस घर के मान मर्यादा का तुम दोनों को कोई ख्याल है कि नहीं? आओ हमारे साथ। आज जो भी सुनना है, जो भी कहना है या जो भी तय करना है कर लो, लेकिन बिना एक दूसरे पर चिल्लाए या बिना एक दूसरे पर लांछन लगाए। अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो खुशी खुशी करो, और अगर नहीं करनी है तो मत करो। कोई जोर कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन हमें यह तमाशा नहीं चाहिए। बात समझ में आई? ताऊ जी, मैं भी इन सबसे छुट्टी पाना चाहता हूं। आई थिंक चारू ही मेरे लिए ठीक रहेगी। गुंजन, I'm sorry, चैतान कहीं के नहीं करनी मुझे शादी, और ना मुझे करनी है। और चारू, मैं चारू से ही शादी करूंगा। हम फौरन चारू के माता पिता से बात करते हैं। आखिर किस्मत में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। सुनिए जी, अब क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ है जी। शायद अब सब कुछ ठीक हो चुका है। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। हमें शक है कि कोई इन दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है। वरना आप ही देखिए ना, ऐसे अचानक दोनों के बीच में इतनी कड़वाहट कैसे आ सकती है? इस घर में तुम्हें ऐसा कौन लगता है जो दोनों में दूरियां पैदा करना चाहता होगा? पंडित जी, कुछ भी करके ना दो दिन बाद का मुहूर्त निकाल लीजिए, समझ गए ना? कहां कोई मुहूर्त है? संगीता देखो ना पंडित जी को। पंडित जी, पहले जरूरी बात कर ले। आपने अपनी दक्षिणा तो बताई नहीं। तो पंडित जी, कौन सी डेट पक्की करें? अरे हाँ, हमें याद आया कि दो दिन बाद शुभ नक्षत्रों का योग है, और इस शुभ नक्षत्र में विवाह हो सकता है, और अगर नहीं हुआ तो एक साल के बाद ये मुहूर्त आएगा। रचना बेटा, भाई की शादी खुशी में लड्डू खाओ, लो। दीदी, वो पंडित जी ने दो दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकाला है मयंक और चारू की शादी के लिए। मयंक जब इतना सा था तब से आपने उसे पाला है। मयंक का साथ देने की बजाय आप उस लड़की का साथ दे रही। वो लड़की जो ना कभी मयंक के लिए सही थी और ना कभी इस घर के लिए सही थी। ये तुम क्या कह रही हो पियो? तुम्हारी भी बहन है, तुम्हें जो सही लगता है जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे।